जिलाधिकारी के विजयन पांडियन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता ने बुधवार को जिले के बेलघाट स्थित सोमवापुर प्राथमिक विद्यालय एवं विश्वा खुर्द में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण किया और वहां रह रहे लोगों से उनके स्वास्थ्य और व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी हासिल की। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी के विजयन पांडेय ने वहां के लोगों की तारीफ करते हुए कहा कि आप लोग पूरी तरह से क्वारंटाइन का पालन कर रहे हैं। आपका क्वारंटाइन का समय जल्द ही पूरा होने वाला है। इसके बाद आपके स्वास्थ्य की जांच के बाद घरों को भेज दिया जाएगा। इस दौरान जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने क्वारंटाइन में रह रहे लोगों को केक एवं बिस्किट व खाद्य पदार्थ आदि देकर उनका हौसला बढ़ाया। कौन सी बड़ी ट्रक आएगी? और कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। नहीं नहीं तो उसमें छोटी छोटी बता के भेजी है। ये तो बता दो भाई, आप लोगों को कहीं और सुविधा चाहिए तो बता दो। कोई दिक्कत है आप लोगों को? नहीं ना। नहीं ठीक। कहाँ से बैठे रहो? दूर दूर बैठे, जहाँ बैठे वहीं बैठे रहो। ठीक बैठे रहो। गुड़गांव ये लोग आए हरियाणा। चलो ठीक है, तबीयत ठीक है? डीएम साहब आए आराम करो और कोई काम नहीं। दो चार दिन की बात और है। मिठाई चलाने से अब वहाँ क्या काम करते हैं? सर इसमें इसीलिए हमने ऐसा दिया है हम उसको मुंबई से नोएडा से गाजियाबाद से 13 लोग हैं है? पति भी नहीं है क्या? है पति भी ये काम करो तो थोड़ी सेंटर का मतलब टोकन को दे दें। आप हमारे पास टोकन देने कम से कम निश्चित हो जाएंगे वो तो नहीं। इधर से लेना केक का फोटो आएगा। मैं मेरा स्टेनो साहब का आपका नंबर दे देता हूँ। पहले से बात हुई ना राजेश यार, उनसे बात कर लीजिए। बता दें मैं चेतन में हूँ, बाहर हूँ, उनसे बात कर लीजिए। इन लोगों ने सुविधा का क्या किए आपको भाई? जो मच्छरदानी क्षेत्र का है 3-3 लाख भेजे है ना, और भी पैसा भेजते हैं भाई। खर्चा तो आ गया सर, लेकिन वो सर हम लोग से कहते हैं लेखपाल कानून सेक्रेटरी और एडीओ के थ्रू सत्यापन करा के प्रधान को ही दे देते हैं सर।